हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पेटीएम से मिलने वाले फ्लाइट वाउचर का यूज़ कर सकते हैं, आप उससे कैसे फ्लाइट टिकट बुक करने पर कैशबैक पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना पेटीएम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जाते हैं हम अपने कैशबैक एंड ऑफर में। तो यहाँ पर हमारे सामने हमारे वाउचर एंड ऑफर जो है ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एक वाउचर मिला हुआ है, फ्लाइट वाउचर। तो अब इसका आप कैसे यूज़ करें, उसके लिए सबसे पहले आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आपका वाउचर कोड ओपन हो जाएगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिडीम नाउ, एंड उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टर्म एंड कंडीशंस का। कोई भी वाउचर कोड यूज़ करने से पहले आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन यानी उसके नियम आपको जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन के ऊपर ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सभी टर्म एंड कंडीशन ओपन हो चुके हैं। अब ये इंग्लिश में है, आप चाहें तो इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जो भी सारा मैसेज इंग्लिश से हिंदी हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप कैसे इंग्लिश को हिंदी कर सकते हैं वो वीडियो आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अगर आप 100 रुपये का टिकट बुक करते हैं तो आपको 6% के हिसाब से कैशबैक दिया जाएगा। यानी 100 रुपये के टिकट के ऊपर आपको 6 रुपये, 1000 रुपये का टिकट अगर आप बुक करते हैं तो आपको 60 रुपये, अगर आप 2000 रुपये का टिकट बुक करते हैं तो आपको 120 रुपये। यानी 6% के हिसाब से आपको यहां पर कैशबैक दिया जाएगा। हो सकता है आपको अपने हिसाब से आपको जो वाउचर मिला है वो ज़्यादा परसेंट आपको वहां पर मिल रहा हो। तो कोई भी कंडीशन आपके वाउचर में अलग अलग हो सकती है, या फिर जैसे मुझे यहाँ पर 1100 रुपये का मिल रहा है, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा का मिल रहा हो। यहाँ पर हमसे कह रहा है आपको 6% के हिसाब से कैशबैक दिया जाएगा और अधिकतम 1100 रुपये तक कैशबैक आपको मिल सकता है। 1100 रुपये से ज़्यादा कैशबैक आपको नहीं मिल सकता, चाहे आप कितने रुपए का भी टिकट यहां से बुक करते हो। साथ यहां पर कोई भी जो है कंडीशन नहीं है, यानी कोई भी आपको नो मिनिमम कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपको इतने अमाउंट का टिकट बुक करना होगा। उसी के साथ जब आप इस टिकट को बुक कर लेंगे जो भी आपका कैशबैक होगा वो आपके 24 घंटे के अंदर आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा जब आप इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो और बाकी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कोड कॉपी का, तो आपको यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेना है। हमने सभी वाउचर के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे मूवी वाउचर, बस वाउचर एंड अलग अलग तरीके से जो भी आपको वाउचर कोड मिलते हैं सभी के ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनका कैसे यूज़ करें। तो आपको सबका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कोई और वाउचर भी मिला हुआ है तो। तो उसके बाद आपको रिडीम नाउ पर क्लिक कर लेना है इस कोड को कॉपी करने के बाद। तो हम रिडीम नाउ पर क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वन वे एंड राउंड ट्रिप, ठीक है। अगर आप दोनों साइड का टिकट बुक करना चाहते हैं यानी आप आने और जाने का, तो आपको राउंड ट्रिप पर ओके करना है। अगर आप एक साइड का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको वन वे पर क्लिक कर लेना है। उसी के नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला है आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई में जाना चाहता हूँ। उसी के नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डेट का, आप किस डेट में ये टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको डेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने सभी शो हो जाएगा, यानी जिस किस महीने किस डेट में आप टिकट बुक करना चाहते हैं। अगर आप करंट में टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको वो महंगा पड़ेगा, अगर आप एक महीना पहले टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो मान लो मैं यहाँ पर 13 तारीख में एक टिकट बुक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेवलर्स, यानी आप कितने आदमी हैं, एडल्ट्स यानी 12
12 साल से ऊपर जो भी होता है उसको एडल्ट कहते हैं। आप एक है या दो है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। उसके नीचे आपको चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, यहाँ से आप अलग अलग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई बच्चा है। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है क्लास का, इकोनॉमी एंड प्रीमियम इकोनॉमी एंड बिजनेस। अगर आप इकोनॉमी सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कम प्राइस में टिकट मिल जाएगा। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर हाई प्राइस देखने को मिलेगा। उसके बाद हम डन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो नॉन स्टॉप फ्लाइट ओनली। अगर आप चाहते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट हमें मिले तो आप इस बॉक्स पर टिक मार सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च फ्लाइट्स पर क्लिक कर देना है। सर्च फ्लाइट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर उस डेट में जो भी फ्लाइट होंगी वो सभी शो हो जाएंगी, टाइम्स के साथ एंड प्राइस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको मिल जाती है गो एयर, स्पाइस जेट एंड इंडिगो, काफ़ी अलग अलग फ्लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जो भी फ्लाइट से टिकट बुक करना चाहते हैं आप उस फ्लाइट को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जैसे मैं गो एयर वाली फ्लाइट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये 2:40 पे यहाँ से उड़ेगी और 4:55 पर ये लैंड करेगी। तो इस हिसाब से आपको टाइम के साथ साथ यहाँ पर सभी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो उस फ्लाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सभी डिटेल और भी आ जाती हैं, टर्मिनल एंड जो भी कुछ आपके सामने यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है। उसी के साथ आपको यहाँ पर ये कहता है आप 15 किलो तक वजन एक पर्सन ले जा सकता है अपने साथ में। उसके नीचे अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ पर आपको फ्री कैंसिल चार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो आपको फ्लाइट वाउचर कोड मिला है उसको आप कहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। यहाँ तक आने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने पर अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वीओ 20 मोर ऑफर्स एंड अप्लाई डिफरेंट प्रोमो कोड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने बाद अब आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा एंटर प्रोमो कोड। अब यहां पर आपको वो कोड कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है जो हमने वहां से कॉपी किया था। यहां पर आपको वो कोड पेस्ट कर देना है। अगर यहां पर पेस्ट नहीं होता है तो आप अपने कीपैड से भी उसको यहां पर भर सकते हैं। तो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है और नीचे अप्लाई ऑफर पर ओके कर देना है। ओके करने बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा जो कोड है वो अप्लाई हो चुका है। और यहां पर हमसे कह रहा है आपका ये कूपन कोड अप्लाई हो चुका है, जिसमें आपको 153 रुपये का कैशबैक आपके 24 घंटे के अंदर आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा जब आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा पैसों का टिकट है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे 6% के हिसाब से, जितने प्राइस का भी आप टिकट यहां से बुक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इस फ्लाइट वाउचर कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस टिकट को बुक नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ तक ये प्रोसेस किया है। तो इस तरीके से आप फ्लाइट वाउचर कोड को यूज़ कर सकते हैं और उससे फ्लाइट टिकट बुक करने पर कैशबैक पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।